जौनपुर पवित्र एवं निर्मल जीवनदायिनी नर्मदा इन दिनों गंदगी का शिकार हो गई है। साफ सफाई व्यवस्था के अभाव में नर्मदा जल और नर्मदा की सभी तट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नर्मदा स्नान करने वाले और दर्शन करने वाले श्रद्धालु इस गंदगी से खासे परेशान हैं और नाराज हैं। जबकि दीपावली और ग्यारस के वक्त नर्मदा जल में भारी मात्रा में पूजन सामग्री का विसर्जन हुआ है और जिसकी साफ सफाई न होने की वजह से यहां पर गंदगी जहां पर दुर्गंध मारने लगी है और बदबू पैदा कर रही है। और जिला प्रशासन और नगर निगम ने नर्मदा भक्तों ने मांग की है कि नर्मदा तटों की सफाई की जाए और साथ ही में मुकम्मल व्यवस्था की जाए और गंदगी फैलाने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सरस्वती घाट है माँ नर्मदा का और यहाँ से माँ नर्मदा की पंचकोशी यात्रा आरंभ होती है, तो श्रद्धालु लोगों को ये चाहिए कि यहाँ जो गंदगी है वो गंदगी ना करें और माँ नर्मदा को स्वच्छता बनाए रखें और थोड़ी प्रशासन को भी अपनी कड़ी देखरेख करनी चाहिए जिससे यहाँ पर जो गंदगी है माँ नर्मदा के घाट पर वो स्वच्छ रहे। धन्यवाद भाई साहब। मैं सुरेश कुमार पटेल लामी से भीड़ा घाट कहाँ से आई हो? सिहोरा से। क्या यहाँ बहुत गंदगी है, एक घाट में गंदगी देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं। सरस्वती घाट है तो लोगों को क्या चाहिए? गंदगी नहीं, साफ सफाई चाहिए, निर्मल पानी चाहिए, जल चाहिए। नहाते हैं, जल ले जाते हैं, अपन जल चढ़ाते हैं, उसके भगवान को अर्पण करते हैं, तो अपन का गंदगी न चाहिए ना। सिहोरा से आए सम, हाँ ना, सिहोरा से आए हैं। और लोगों को भी क्या बोलना चाहते? गंदगी न करो, गंदगी न करो, सब लोगों के हम भरे के थोड़ा ना लगने, सभी के तो लगने जनता के। यहाँ साफ सफाई रहना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। हाँ गंदगी कितनी है। नाम आपका? फूलबाई। कहाँ से आई हो? सिहोरा से। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।